चिल्ड्रेन, ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। नमस्कार, मैं हूं तुषाली, आप देख रहे हैं आईटी सिटी न्यूज नेटवर्क। भाजपा द्वारा कोविड 19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी पंचायत में कैंप लगा के रजिस्ट्रेशन कराने का पार्टी द्वारा निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत छपरा जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के पश्चात एकमा प्रखंड के सभी नगर अध्यक्षों के साथ एक बैठक कर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक निर्देश दिया, ताकि एक भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित न रह पाए। बैठक में एकमा नगर अध्यक्ष प्रदीप सिंह पप्पू, माजी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, एकमा पश्चिमी अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय, विभूति नारायण तिवारी, बंटी ओझा, गौरव सिंह किशन, बलवंत सिंह, मंटू मिश्रा, ब्रिजेश सिंह उपस्थित रहे। ये के मतलब भाजपा का जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत ऑल ओवर इंडिया में इस पे काम चल रहा है क्या? होना तो सब में है, सब जगह चलना है। हम लोगों को चूंकि बिहार में हम हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का यह आ गया कि भाई ऐसा करना है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, इसलिए पूरे भारत वर्ष में चलेगा। तो छपरा में कल से किन किन प्रखंड में ये चालू होने वाला है? कल से नहीं, आज से। यहाँ तो मैं आज आया, आज से भी लगभग हमारे यहाँ 39 मंडल केंद्र हैं, 20 प्रखंड हैं, लेकिन अपने संगठन के दृष्टिकोण से 39 हैं। तो 39 में 14 की सूचना आज हमको 12 बजे तक आ गई कि वहाँ मंडल केंद्रों पर शुरू हो गया है। आज एकमा विधानसभा में मैं इसलिए आया था कि अपने यहाँ जो 5 मंडल हैं, उन मंडलों में हमारी जो सरकार, केंद्र की सरकार है, बिहार की सरकार है, उसमें कोविड वैक्सीनेशन का काम जो चल रहा है उसको गति कैसे मिले, और जो सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ एक काउंटर लगाएंगे लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वहाँ आधार कार्ड लेके लोग पहुँचेंगे, ताकि रजिस्ट्रेशन में फिर हॉस्पिटल में या अतिरिक्त जो PSC है उस पर लाइन लगाने की ज़रूरत उनको नहीं पड़े, अपने गांव में अपने पंचायत के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो वह तिथि मिल जाएगी कि उनको कब वैक्सीन लेना है, उस तिथि को PSC में या अतिरिक्त PSC जो है वहाँ जा कर के अपना वैक्सीन ले लेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है, मान लीजिए कि बहुत भूखे हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते, या उनके घर में कोई ऐसा नहीं है, दूरी काफ़ी हो रही है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वह मंडल अध्यक्ष जी हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, वो लोग वहाँ तक ले आएंगे, वैक्सीन दिलवाएंगे और फिर उनको घर तक छोड़ देंगे, ताकि कोई भी इस वैक्सीन से वंचित नहीं रहे। जब हमारी सरकार मुफ्त में टीका उपलब्ध करा रही है, तो हमारा काम है कि यह दायित्व है हमारा, क्योंकि हम केवल राजनीतिक पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, हम सेवा का काम भी करते हैं, यह भी सेवा ही संगठन है के अंतर्गत आता है कि हम सारे लोगों को वैक्सीन दिलवा दें। इसके लिए अपनी योजना बनी है, और इसके लिए हमने मंडल अध्यक्ष जी को यहाँ एकत्रित किया था। सारे लोगों ने कहा है कि मंडल केंद्र पर तो होगा, लेकिन पंचायत स्तर पर भी हम लोग अपने अपने पंचायत में, मान लीजिए पश्चिमी में 9 पंचायत है, पूर्वी में 9 पंचायत है, फिर इनके यहाँ 8 है, नगर में 3 है, इस तरह से जितने पंचायत हैं सभी केंद्रों पर 1 से 2 दिन में सारे लोगों का ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसी क्रम में मैं हॉस्पिटल में भी अभी इन लोगों के साथ गया था, यह जानकारी लेने की अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन मिल गया, तो उनकी जो जानकारी आई है लगभग 2800 वैक्सीन उन्होंने लोगों को दिया है, और अभी तक काम कर रहे हैं। उनके जिम्मे जो अतिरिक्त PSC है उस पर भी वह लगे हुए हैं। तो यह सारी जानकारी आज हुआ कि भाई आपको भी पहुंचा दें, ताकि हमारी सरकार अपने कार्यकर्ताओं के बल पर एक एक घरों में जिस तरह हम लोग कोरोना में पहुंचाए, उनको भूखे नहीं रहने दिए, यह काम भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे, कोई वैक्सीन से।